आइए आपने भोजपुर की ओर हम लोगों को पहुंचाया है नीलम जी, अच्छा टुकड़ा गाया है आपने। शंभू हलचल भी सोच रहा है कि भोजपुर की तरफ हम भी कुछ प्रकाश डालें। वैसे हम लोग कानपुरी लोग हैं, भोजपुरी कम गाते हैं, लेकिन आइए प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि भोजपुरी ये शिवपुरी और रामपुरी की बहन है। आइए चल रहा हूं, प्रकाश डाल रहा हूं, अच्छा लगेगा आप लोगों को। एक गीत बहुत प्यारा सा बजा, भोजपुर वालों ने गाया, अरे चलता उकार में सूट सलवार में, उड़निया 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 इसे उड़ौली कि चक्का जाम हुई जाई। आइए प्रमुख जी, जलवा है आपका, सही मान लीजिए आप, पचास बाकी आपका जलवा है, हम लोगों को तो मलवा है श्री। आइए सुनिएगा, बढ़िया बढ़िया, प्रयास कर रहा हूं, अच्छा लगेगा आप लोगों को। भगवान राम और माता जानकी की मुलाकात फुलबगिया में हो गई। दत्ता सुनिएगा, आदरणीय सम्मान्य संजय भैया, देखिए प्रयोग देखिए, कटपीस के माध्यम से ला रहा हूं। अले मिले राम बाग में, समझिए मिले राम बाग में सीताराम बाग में, तो दोनों के सुखर विचार हो गए और मिल गए नैनन से नैना, तो नैना चार हो गए, दो राम के और दो जानकी के नैना चार हो गए। और पप्पू या एक प्रयोग है, नैना चार हो गए। तो मिले राम बाग में सीता राम बाग में, अरे दोनों के सुखर विचार हो गए, मिल गए नैनन से नैना, तो नैना देखिएगा। गिनती का प्रयोग आपने लगाया था, एक दो तीन हो गए, नौ दो ग्यारह हो गए, अब दो दो चार हो गए। पप्पू भैया प्रयोग देखिए, दो दो चार हो गए, लेकिन जैसे ही भावर पड़ी तो हुआ क्या, अरे मिले राम जान की बात है सम्मान की, अरे दोनों के इरादे नेक हो गए, वहां दो दो चार हो रहे और क्या, अब यहां अरे दोनों के इरादे नेक हो गए, मिल गए हैं जब दिल से दिल, तो तुई दिल एक हो गए, मिल गए हैं जब दिल से दिल, तो दिल एक हो।
बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए राजा रामचंद्र की। बोलिए भैया राजा सिंह मोहनपुर आपकी ओर से पुनः ये 51 रुपए के इसने आया है। हिमांचल भैया कीर्तनकार कटका आपकी ओर से पुनः ये बहुमूल्य 51 रुपए आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है हिमांचल भैया, साधुवाद है। भगवान भोलेनाथ से आपके लिए मंगल कामनाएं हैं। सदा आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आइए पुनः आमंत्रित कर रहा हूं सम्मान्य नीलम विश्वकर्मा जी और उनके कुशल एवं सक्षम साथियों का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आइए नीलम जी। हेलो 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 बहुत बढ़िया शंभू भैया जी, गजब। इतना हमको विश्वास नहीं हो रहा था और जितना अच्छा आप राउंड देकर गए हैं। आप कह रहे बिटिया आप मुझसे बहुत छोटी हो, ये तो सब लोग देख रहे हैं कि हम छोटे हैं बेटे, क्योंकि जवाबी जवाब से होती है बातों से नहीं। ना बातें अगर करना है तो हमको घर में बुलाइए, फिर बैठ के गप्पे बातचीत होगी। आप कह रहे बिटिया बहुत छोटी हो, क्योंकि ये मान लीजिए जो शंभू कह देता है, क्षमा कीजिए बड़े भैया आपने कहा है, जो शंभू कह देता है वो पत्थर की लकीर नहीं। बड़े भैया आज तक तो हम बड़े भैया जानते रहे, लेकिन आज आज पता चला कि आप तुलसीदास के पापा हो, वो भी रामनगर वाले। रामपुर आप बार बार पत्थर की लकीर है, पत्थर की लकीर है, अरे बातों से जवाब ही नहीं होते भैया। बिल्कुल पत्थर की लकीर है, ये पत्थर की लकीर, लेकिन वो काम नहीं दिखाया बेटे। बार बार मैंने जो गीत गाया, लगा काम अब श्याम का, लगा दाम अब श्याम का, लगा धाम अब श्याम का, लगा नाम अब श्याम का, लेकिन जवाब आया है लगा काम अब श्याम का, लगा नाम अब श्याम का, कोई अलग से प्रयास नहीं किया गया, बस उसी को जोड़ दिया। दूसरा जवाब आप दिखा रहे हैं बड़े भैया,
कि जिनके साथ मैं है नारी वो भी बाल ब्रह्मचारी, साथ में नारी वो भी बाल ब्रह्मचारी, माता गंगा कमंडल में है। बड़े भैया आपके सामने ये गीत कई बार आ चुका है, साथ में नारी यानी गंगा मैया है उससे ब्रह्मचारी का कोई मतलब नहीं है ना बेटे, कोई भी मतलब नहीं है। गंगा जी को तो जबरदस्ती लाए थे। अब ऋषि महात्मा तो गंगा जल कहीं तुलसी मैया अगर पूजन पाजन नहीं करेंगे आप कह रहे हैं ब्रह्मचारी पंडित। एक प्रसंग आप बता रहे हैं कि वो ऋषि की गंगा जांघ में समाये। बड़े भैया कहाँ पढ़ा है आपने? कहाँ लिखा? कौन पर्व? गंगा जांघ में समाई नहीं है ना, गंगा को भागीरथ ले जा रहे हैं। वो जब लिए जा रहे हैं तो उनके बेग से ऋषि की तपस्या भंग हो गई तो उन्होंने पी लिया। अरे गंगा को इतना घमंड, वो जब पी लिया तो उधर भागीरथ महाराज परेशान हो गए, सारे देवताओं ने विनय की, तब उन्होंने जांग से निकाला है। ये सब पढ़ाई लिखाई के मजे है भाई साहब, क्योंकि आप जानते हैं मैं ज्यादा बोलती नहीं हूँ ना बेटे, ना बोलना चाहती थी ना, लेकिन बोलना पड़ रहा है। लेकिन आप कह रहे पत्थर की लकीर है, मजबूरी है आज। बहुत छोटी है बिटिया, ये बात बिल्कुल सत्य बड़ भैया, मैं बहुत छोटी हूँ। और आपने कहा कि पत्थर की लकीर है, बड़े भैया पत्थर की लकीर इस बात पर बोलना पड़ा क्योंकि पत्थर की लकीर बहुत छोटी हो, अगर छोटी हो तो बराबरी के मंच पर खड़ी हूँ, छोटी घर में हूँ, जवाबी जवाब की होगी, जवाबी बराबरी की होगी, जवाबी में कहीं कोई कमी नहीं होगी। ज्यादा हल्के में ना ले हमको। हम भाई से भी भारी हैं। जवाब 9-2-11 हुई जाए, 2-9-11 हुई जाए, बड़े भैया हमको हमारा ही लौटा रहे हो। जवाब भी बेटा 9-2-11 होगा। भगवान राम वन को चले गए तो 1-2-3 हुई जाए। बढ़िया है, जो कुछ भी है आइए। बढ़िया है बेटे, बड़े भैया हैं तुम्हारे, छोड़ो अभी रक्षाबंधन का पैसा उधार पड़ा, आइए परसों ही। चलो चलो बेटे। शंभु भैया जी पत्थर की लकीर, लेकिन आप कोमल हृदय से सुने। और का लक्ष्मण रेखा इन्हीं की खींची हुई है, गाया फिल्मी दुनिया वालों ने क्या बेटे, कि चलता रुकाड़ में सूट सलवार में
कि दूर ब्रह्म मन के अनेक हो गए, कि दूर ब्रह्म मन के अनेक हो गए, तो मिले हैं जब दोनों के तन। माता उमा भोलेनाथ के मिले हैं जब दोनों के तन, दो तन एक हो गए। एक और बात सुबू भैया जी, आपने उस बात को छेड़ा है, कहा बिटिया 999 फंड, उसी फंड से देखिए मेघनाथ का जन्म है। जब वही फंड मेघनाथ बनकर आए तो देखिए वही लक्ष्मण बनकर शेषनाग भी बनकर आ गए, तो उसी से उनका वध हो गया और फिर पुनः वो फंड में चला गया। वही पर जन्म है, वही पर मरण भी है भैया। लेकिन आज बड़ा खेद हो रहा है, जवाब आप सुनते नहीं, फिर टोक देते हैं बिटिया आप से छोटी हो। खास तौर पर जब से 1100 वाली बात हुई है तब से आपने जवाब सुना ही नहीं, तो उसमें मेरा क्या दोष है हमारी दादाजी? सुनिए, क्योंकि आपने कहा कि वहीं से शुरू है वहीं पर खत्म है, और मेरा जो जवाब आया भगवान भोलेनाथ से जालंधर का जन्म हुआ और भगवान भोलेनाथ ने ही उनका वध कर दिया। भगवान भोलेनाथ से ही जालंधर का जन्म हुआ, भगवान भोलेनाथ के कारण ही वध हुआ, उनसे ही उनके त्रिशूल से वध हुआ। बस अपना माल माल है, बाकी गोलमाल है। लेकिन आइए आइए